सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्नो हिवा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनीश, आप देख रहे हैं टेक्नो हिवा। दोस्तों लेके आ गया हूँ आपके लिए नया वीडियो दोस्तों, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कौन कौन से जो टॉप परफॉर्मिंग लैपटॉप्स है दोस्तों, अफोर्डेबल लैपटॉप्स है दोस्तों, जो स्टूडेंट्स के लिए काम आ सकते हैं दोस्तों। तो ये अगर वीडियो नहीं देख रहे दोस्तों तो वीडियो को देख लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि अफोर्डेबल लैपटॉप्स के बारे में जो स्टूडेंट्स के लिए काम सकते थे वो लैपटॉप के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, और रेंज भी बताने वाला दोस्तों कौन कौन सी रेंज से स्टार्टिंग होंगे दोस्तों। तो इसमें इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो पहला लैपटॉप है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों वो है एचपी का 245G8 दोस्तों। जी हाँ, ये लैपटॉप है दोस्तों जो गेमिंग के लिए यूज हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा इसमें राइजन 3 एपीयू भी लगा हुआ है दोस्तों, जिसमें वेगा 6 ग्राफिक्स से आ सकता है दोस्तों। इसके अलावा इसमें 4GB की रैम, 1TB की हार्ड ड्राइव हो सकती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद की बात करो दोस्तों तो उसके बाद अगला लैपटॉप होगा दोस्तों लेनोवो की ओर से। जी हाँ, लेनोवो आइडिया पैड ड्यूएट क्रोमबुक जिसका नाम हो सकता है दोस्तों, और ये 27,000 से स्टार्ट हो सकता है दोस्तों। और इसमें 10.1 इंच की नोटबुक स्क्रीन आ सकती है दोस्तों, जिसमें 4GB की रैम और 128 स्टोरेज के साथ में आ सकता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसमें मीडियाटेक P60T ऑक्टाकोर प्रोसेसर लगा हो सकता है दोस्तों, और कीबोर्ड ऑल्सो डिटेच हो सकता है इसके साथ में दोस्तों, जो प्लेबैक स्क्रीन के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। लैपटॉप दोस्तों आसूस की ओर से दोस्तों, जी आसूस वीवो बुक M51DA EJ301T जो AMD Ryzen 3 3250U प्रोसेसर के साथ में आता है दोस्तों, जिसमें ग्राफिक्स रेडियन का ग्राफिक्स लगा हुआ है दोस्तों, जिसमें 4GB की रैम एंड 1TB की दोस्तों, जिसमें 15.8 लैपटॉप स्क्रीन के साथ में विंडोज होम बिल्ट इन आ सकता है दोस्तों इसमें। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट लैपटॉप की बात करो दोस्तों तो HP सीरीज का दोस्तों 15SGR 3006AU है दोस्तों। इसके बारे में दोस्तों बात करो तो ये गुड पावर ऑफ मिक्स है दोस्तों, अफोर्डेबिलिटी और पावर्स का मिक्स हो सकता है दोस्तों। इसमें AMD Ryzen 3 3250U विथ 4GB रैम एंड 1TB हार्ड ड्राइव के साथ में आ सकते हैं दोस्तों, और विंडोज 10 होम का इनबिल्ट सपोर्ट हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 15.6 इंच का स्क्रीन हो सकता है दोस्तों, जो AMD Radeon ग्राफिक्स के साथ में आ सकते हैं, विंडोज ऑफिस होम एंड स्टूडेंट्स 2019 इनबिल्ट हो सकता है दोस्तों। इसके बारे में दोस्तों अगला लैपटॉप के बारे में बात करें दोस्तों, HP Chromebook X360 के बारे में बात कर सकते हैं दोस्तों, जो Intel Celeron N4020 प्रोसेसर पे काम करते हैं दोस्तों, जिसमें 12 इंच की स्क्रीन आती है दोस्तों, और ये टच स्क्रीन भी हो सकता है दोस्तों, फ्लिप भी हो सकता है दोस्तों, 360 मतलब चारों ओर आप इसको घुमा सकते हो दोस्तों, और इस पे HD कैमरा लगा हो और ड्यूल एरिया माइक्रोफोन को भी सपोर्ट कर सकता है दोस्तों। और ये सारे लैपटॉप की रेंज स्टार्ट होगी करीब करीब दोस्तों 35,000 से दोस्तों। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ सभी लैपटॉप की दोस्तों, अगर आप ऐसे कोई इसको परचेज करना चाहते हैं दोस्तों तो प्लीज जाइए बाय कीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए दोस्तों, और अपने जो भी सुझाव है वो कमेंट में दीजिए। बाकी आप मुझे बताइए कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मैं कवर करूंगा दोस्तों। बस दोस्तों फिलहाल वीडियो मिलते हैं दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, क्योंकि रोजाना आपको वैसे वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, स्टे